सबसे पहले बोलिए। चीज़, अगर आपने शेख जायद मॉस्क को विज़िट करना है तो आपको पहले एक ये ऐप के ऊपर पहले एक स्कैनर से स्कैन करना होता है कुछ। उसके बाद आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, आपकी आप टूरिस्ट हैं, रेजिडेंट हैं कहाँ की, आपकी नेशनलिटी है। और उसके बाद कुछ कपड़ों की वो आती है कि गर्ल्स के लिए ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, जो भी उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं ऑफ कोर्स। और फिर इस तरह का हमें एक्सेस पास कंफर्मेशन आ जाती है, एक पास पे दो लोग जा सकते हैं। ओके, सो पहले वो हमने वो पास बना लिया है। अब हम उनसे पूछेंगे कि एंट्री का है, क्योंकि दिस अ ह्यूज ह्यूज मास्क। और प्लस सेकंड ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ पहुँचे। तो अब हम अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कैसा। ओके, सो दिस इज़ फाइनली द एंट्रेंस पॉइंट। अब यहाँ पे हमें अपना अल हसन दिखाना होगा, आई एम श्योर। फाइनली 1000 सवालात के बाद हम अच्छा मस्जिद में भी चेक करो ज़रा इनको। अल शेख सार गोइंग, हर चीज़ को ये ना टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। कोई चीज़ भी हो ना उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाता है। यहाँ पे तेरा पसंदीदा आपका है, सिनेमन भी है। तो बेसिकली पूरे मस्जिद में 12 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द फोन्स। और बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी था। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट 12 प्लेसेस वी कैन नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स और फोटोज़। बहुत ही लंबा रास्ता है, शुक्र है। यस, वॉकवेज। सो फाइनली वी आर एट द मॉस्क। और ये देखिए, ओके, एक्चुअली वो कहीं यहाँ वहाँ हमें पिक्चर लेने नहीं देते, तो ये एक और फोटो स्टॉप आया है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हसीन तरीन मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह।
फाइनली हमें एक और स्पॉट मिल गया जहाँ पे हम फोटो ले सकते हैं। ये हम अंदर आ गए मस्जिद के, और पहले मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ तलावत। बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये डॉक्यूमेंट्री है। सो ये भी अंदर का ही एक स्पॉट है। ऑन द वे बैक हमें यहाँ पे एक टैक्सी मिली जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि यहाँ पे मैं कुछ शुक्र है कुछ भी तो फ्री है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और ऑल्दो काफ़ी उन्होंने की हुई है चीज़ें कि हमें चलना ना पड़े स्टेयर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन स्टिल सो वी थॉट कि हमें टैक्सी में बैठ के जाना चाहिए। इनसे डर लगता है, ये फोन ही ना खींचने मेरा। नाउ अब हम टैक्सी से उतर गए हैं, नाउ वी गोइंग बैक आउटसाइड, और बस अब यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट दुबई, और इफ़ वी फाइंड समथिंग ऑन द वे तो वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। इसके अंदर ही जिसमें छोटे छोटे शेख और शेख नहीं है। सम चॉकलेट्स, कीचेन्स, कीचेन देखिए छोटा सा। एक क्रिस्टल की कुछ डेकोरेशन पीसेस है, और ये कैमल है, कैलम है, कैलम डेकोरेशन। और ये बहुत प्यारी तस्वीर है, तस्वीर है ना। ओके, आफ्टर द विजिट फ्रॉम द मॉस्क वी आर हियर एट हॉट फूड। दिस इज इन द बेसमेंट, देयर इज अ फूड कोर्ट टाइप ऑफ थिंग जहाँ पे ग्रिल है, फिश है, मतलब ये स्टोर है पूरा मार्ट टाइप। इसके अंदर एक छोटी सी बेकरी है ये, एंड इट हैज़ वेरी गुड आइटम्स। अभी मैंने खाई नहीं है, खाने के बाद आई मेक श्योर टू गिव यू अ रिव्यू। अभी हमने सिर्फ इसकी प्राइजेज़ देखी हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं कंपैरेटिवली, जिस तरह मैं अगर बाकियों को देख रही हूँ इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट दिस वन इज लुक्स लाइक वेरी चीप प्राइस वाइज। बट आई ओके, काफ़ी चीज़ें हैं, समोसा है, चिकन कबाब है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, आई थिंक दिस इज़ मेड ऑफ चिकन, और एक ये मुझे नाम नहीं पता इसका। अभी तक मैंने समोसा खाया ऑयली है, बट अभी तक वो मुझे फ्रेश और अच्छा लगा है। लेट्स सी बाकी चीज़ें कैसी हैं।